Hello everyone. In the series of the programming of the hashing and the collision resolution with the hashing, on the last one we have discussed about the quadratic probing, which is an open addressing method. So today we are going to discuss about another method, which is double hashing or rehashing. So आइए हम लोग डबल हैशिंग और रीहैशिंग के बारे में देखते हैं. डबल हैशिंग या रीहैशिंग को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग लिमिटेशन समझ लेते हैं लीनियर प्रोबिंग की और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की. तो लीनियर प्रोबिंग इज सब्जेक्टेड टू द प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम. सो द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इज कि अगर आपके पास एक हैश एड्रेस एच आया किसी एक एक्स एलिमेंट का, और तो अगर आप एच पे स्टोर नहीं कर पाएंगे तो एच प्लस वन लोकेशन देखेंगे, देन एच प्लस टू देखेंगे, देन एच प्लस थ्री देखेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, जब तक आपको एक फ्री स्पेस ना मिल जाए. और अगर वाई है और वाई का भी हैश एड्रेस एच है तो आप इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे या इन्हीं लोकेशंस को फॉलो करेंगे सर्च करने के लिए, फ्री स्पेस फाइंड करने के लिए. तो अगर आपने ऑलरेडी एक्स को इस एक्स के स्टोरेज का पैटर्न देख लिया है तो वाई भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है या उसी क्लस्टर में सर्च करने की कोशिश करता है. तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस कि हम रिपीटेडली वही काम कर रहे हैं. देन जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है वो भी इसी तरह की एक प्रॉब्लम से ग्रसित है. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जिसमें कि अगर एक्स आइटम को स्टोर करने के लिए जो हम लोकेशन सर्च कर रहे हैं वो एच प्लस वन स्क्वायर, एच प्लस टू स्क्वायर, एच प्लस थ्री स्क्वायर एंड देर इज एन आइटम वाई, अगर इसका भी हैश एड्रेस एच ही है तो ये भी इसी पैटर्न को या इन्हीं लोकेशंस को फॉलो करेगा सर्च करने के लिए फ्री स्पेस के लिए. सो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग. सो वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम लोकेशंस और द लोकेशंस इन द सेम क्लस्टर विद द हेल्प ऑफ द लीनियर प्रोबिंग एंड विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. सो हमें एक मेथड ऐसा देखना है या ऐसा अडॉप्ट करना है जिसमें कि सेम लोकेशंस में सर्च ना हो बल्कि इससे डिफरेंट लोकेशंस में सर्च हो. तो जो डबल हैशिंग है वो इसी का कॉन्सेप्ट है कि हम यूज करते हैं उन लोकेशंस को सर्च करने के लिए जो कि उन्हीं उन्हीं क्लस्टर्स में नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल हमने एक मेथड अडॉप्ट किया लेट से डबल हैशिंग में. पहला हमारा एच का कैलकुलेशन जो है या जो हैश एड्रेस का कैलकुलेशन है, लेट से दैट इज यूजिंग द एक्स मॉड 10. तो ये जो मेथड है वो क्या करेगा कि लास्ट की डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड लेट से हमारे पास एक नंबर है 77. सो जब आप 77 का मॉड विथ 10 लेंगे तो आपका जो लोकेशन आएगा दैट विल बी 7. मान लेते हैं कि एक हम एच डैश निकालते हैं और एच डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 5 और मॉड 10. ये हमारा दूसरा हैश फंक्शन है. तो एच डैश अगर आप निकालेंगे 77 के लिए, सो 77 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 5 एंड देन मॉड 10. If we do the computation, so this will be 154 minus 5, then mod 10, it is 151 mod 10, or 151 mod 10 ki jo value hogi, that will be equals to 1. So h dash is 1 in this case. So maan lijiye ki agar h location busy hai, so we will look for h plus h dash location. If the h dash location is not free, then we will look for h plus h dash 2h dash location. If this location is not free, then we will look for h plus 3h dash location and so on. And obviously, we are going to follow the modulus with the table size because ye badi value hogi jo ki table ke size ko cross kar jayega. So we are following h plus i h dash mod 10 this as a formula. Now, in case we have another number जिसका की हैश एड्रेस एच आता है, जब आप उसका एच डैश कैलकुलेट करेंगे तो वो भी डिफरेंट आएगा. तो जब एच डैश हमारा डिफरेंट आएगा तो वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा. इसका मतलब है कि एच प्लस एच डैश की वैल्यू इस केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स के लिए ऐसा कर रहे थे और वाई के लिए इस तरह का स्टोरेज कर रहे हैं, तो एच प्लस एच डैश जो एच के एक्स के लिए आया है दैट विल नॉट बी सेम फॉर द वाई. सिमिलरली h plus 2h dash की जो वैल्यू होगी that will be different from this h plus 2h dash. इसका मतलब है कि ये same locations को या same cluster को नहीं सर्च करेगा,
यही इसका एडवांटेज है, ये जो हमारा डबल हैशिंग या रीहैशिंग मैकेनिज्म है। तो आइए इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो दिस इज द डबल हैशिंग फंक्शन, जिसमें कि तीन पैरामीटर पास हैं, एक है टेबल, दूसरा है टेबल साइज, और तीसरा है वो नंबर जो हमें स्टोर करना है, वो की जो हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमने टेबल साइज से मॉड लेके एक एच कैलकुलेट कर लिया है, जो कि इनिशियल एड्रेस है। अगर इनिशियल एड्रेस पे टेबल में जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि उन लोकेशंस पे कोई भी, इस लोकेशन पे कोई भी डेटा आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो आप सिंपली जाके यहाँ पे स्टोर कर दीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जो हमने लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी एक्सप्लेन किया था आपको, कि हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल के हर लोकेशन पे इनिशियली जीरो है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई डेटा आइटम प्रीवियसली प्रेजेंट नहीं है। अगर हमें ये देखना है कि इस लोकेशन पे क्या हम स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस लोकेशन पे जीरो होना चाहिए, तभी हम स्टोर कर पाएंगे। अगर यहाँ पे जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कॉलिजन है, तो कॉलिजन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्शन लेंगे। सो अब हमने क्या किया, एक एच डैश कैलकुलेट किया। सो एच डैश इज इक्वल्स टू, एक हमने नया फंक्शन बना लिया है, 2 × x − 7 एंड देन मॉड टेबल साइज। सो ये हमारा एक एच डैश है। इसके बाद चूंकि हमारा कॉलिजन हुआ है, इसलिए जब तक हम इस एलिमेंट को स्टोर नहीं कर लेंगे, तब तक हम सर्च करते रहेंगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ न्यू पोजीशन, एंड न्यू पोजीशन इज इक्वल्स टू h+i मल्टीप्लाइड विद एच डैश। तो अब आपको याद होगा कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि अगर h लोकेशन बिजी है तो h+h डैश देखिए, h+h डैश बिजी है तो h+2h डैश लोकेशन देखिए, और h+2h डैश लोकेशन बिजी है तो h+3h डैश लोकेशन देखिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप ऑब्वियसली ये बड़ी वैल्यू होगी, तो हम इसका एक जनरलाइज फार्मूला इस तरह से बना रहे हैं कि h+i h डैश एंड देन मॉड टेबल साइज, जस्ट टू रेस्ट्रिक्ट इट इन साइड दी टेबल। तो अगर न्यू पोजिशन पे जीरो आपको मिला, तो वहां पे जाके आप एक्स को स्टोर कर दीजिए और फ्लैग को वन कर दीजिए, इसका मतलब है कि आइटम स्टोर हो गया। और चूंकि फ्लैग वन हो गया, ये लूप अब आपका फिनिश हो जाएगा। जब तक फ्लैग जीरो रहेगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही फ्लैग वन होगा, इसका मतलब कि आइटम मेरा स्टोर हो गया, इस लूप को हम फिनिश कर देंगे। सो ये डबल हैशिंग का मैकेनिज्म है, जिससे कि हम कॉलिजन को डील कर रहे हैं। और आइए मेन पे चलते हैं। तो मेन में हमारे पास एक की है, एक टेबल साइज है, टेबल हमने 15 साइज का ले लिया है, हर एक एलिमेंट को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया है। फिर हमने यूजर से पूछ लिया है कि कितने एलिमेंट्स उसको इनपुट कराने हैं टेबल में स्टोर कराने के लिए। जो भी इनपुट होगा हमारा एलिमेंट, उसको हम डबल हैशिंग फंक्शन में पास कर देंगे और उसको स्टोर करा देंगे। देन द लास्ट लूप इज टेलिंग यू कि कौन से टेबल के पोजीशन पे कौन सा आइटम स्टोर है। तो ये हम सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, 0 से TS-1, मतलब टेबल साइज -1, यही हमारे इंडेक्सेस होंगे, वैलिड इंडेक्सेस, और टेबल के हर इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है, उसको हम यहाँ से शो कर रहे हैं। नाउ ये जो दो लूप्स हैं, वो सिंपली हमें ब्यूटिफिकेशन के लिए हैं, ये हमें इंडेक्सेस प्रिंट करके दे रहा है, और उसके बाद फिर हम लाइंस प्रिंट कर रहे हैं, जिससे कि इंडेक्स और जो हमारे डेटा आइटम्स हैं, उसके बीच में हम एक सेपरेटर लाइन बना सकें। भाई इसको रन करके देखते हैं। सो ये हमारे पास सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कितने एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं। तो लेट्स से हमें 6 एलिमेंट स्टोर करने हैं, और वो 6 एलिमेंट्स हैं 15, 30, 31, 45, 66 एंड 90। तो इन आइटम्स का स्टोरेज कैसे हो रहा है, अगर हम एक बार समझें, तो सबसे पहले हम 15 को स्टोर कर रहे हैं, 15 का इंडेक्स 0 आएगा, तो 0 इंडेक्स पर हमने उसको स्टोर कर दिया है। फिर हमें 30 30 को स्टोर करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, फाइन। सो फिर हमें 30 को स्टोर करना है, और 30 को स्टोर करने के लिए हम 30 को 0 इंडेक्स पे स्टोर नहीं कर सकते, 30 mod 15 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एच डैश कैलकुलेट करेंगे, और h+h डैश सबसे पहले फाइंड करेंगे कि क्या h+h डैश पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि 2x − 7 एंड मॉड टेबल साइज, ये मेरा फार्मूला था। तो अगर हम 30 के रेस्पेक्ट में इसको देखें, सो 13 × 2 = 60 − 7 एंड देन mod 15, सो दिस विल बी 53 mod 15, 53 mod 15 आएगा index 8। देखिए कि क्या 8 इंडेक्स फ्री है, यस 8 इंडेक्स हमारा फ्री है, हमने 30 को जाके यहाँ पे स्टोर कर दिया। सॉरी, नॉट द 8 इंडेक्स, बल्कि 0 + 8 इंडेक्स, क्योंकि एच हमारा 0 है और एच डैश हमारा 8 है, तो
So we are going to search at the h plus h dash location, that is 8, and we have stored the element at 8 index. Similarly, all the others are the job elements hai, aap usko is tarah se store kar sakte hain. So this is the double hashing mechanism, jisse ki aapne storage dekha ki kaise aap collisions ko resolve kar sakte hain. So I hope aapke samajh mein aaya hoga, and we will meet again with the new data structure concept in the next lecture. Thank you so much for watching this video.